तो नेक्स्ट टॉपिक से बच्चों, खाद्य संसाधन है ना, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। देखिए, अगर हम लोग फूड चैन की बात कर रहे थे, फूड चैन की बात कर रहे थे, तो फूड चैन जो होती थी, जो खाद्य श्रृंखला थी, एक चैन के फॉर्म में पाई जाती थी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ये चैन है तो अलग अलग फूड चैन के अलग अलग कंपोनेंट होंगे, और सभी चैन एक दूसरे से, यानी कि हम कह सकते हैं कि कई फूड चैन आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, और यह जुड़कर निर्माण करते हैं फूड वेव का। ठीक है, यानी कि हम एक लाइन में कहें तो कई फूड चेन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, फूड वेव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रेजिंग फूड चेन का, घास है ना। अब देखिए, घास को कौन खाता है, बकरी भी खाती है। बकरी को कौन खाता है, सियार, ठीक है, या लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी को कौन खाता है, शेर। लोमड़ी को खाता है शेर। ऐसे घास को खाता है खरगोश। ठीक है, खरगोश को खा लेती है बिल्ली। बिल्ली को खाता है लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी को खा लेता है शेर। अब ऐसे देखते, घास को खाता है कौन, टिड्डा। टिड्डा को खाता है मेढक। मेढक को खाता है सांप। सांप को खाता है मोर या गरुड़। गरुड़ को खा सकता है, ठीक है ये ना। अब देखो क्या होता है कि यह जो खरगोश है, इस खरगोश को बिल्ली खा रही है। जरूरी है बिल्ली खाए, इसको लोमड़ी भी तो खा सकता है। ठीक है, यह जो मोर है, इस मोर को भी लोमड़ी खा सकता है। ठीक है, इस मोर को शेर भी खा सकता है। खा सकता है नहीं। मेंढक को लोमड़ी खा सकती है, बिल्ली को शेर खा सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सब उलझे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सब उलझ के क्या बनाते हैं, फूड वेव। यानी कि अगर हम देखें तो कोई भी किसी को कहीं पे भी खा सकता है, तो ये सब मिलके बनाते हैं क्या, फूड वेव। ऐसी मान लो, ठीक है, घास को छोटी मछली खा सकती है। छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली खा सकती है। बड़ी मछली को मगरमच्छ खा सकता है। मगरमच्छ को और कौन सा खा सकता है, शेर खा सकता है। ठीक है, तो छोटी मछली से बड़ी मछली खाएगी, मेढक भी खा सकता है। मेढक को भी बड़ी मछली खा सकती है। ठीक है, मगरमच्छ लोमड़ी को भी खा सकता है। मगरमच्छ मोर या गरुड़ को भी खा सकता है अगर पानी पीने आता है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, फूड वेव बनाते हैं। तो हमने कहा कि फूड चेन जो होती है, एक कड़ी के रूप में होती है। खाद्य श्रृंखला एक कड़ी चेन के रूप में होती है। कई फूड चेन आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, फूड वेव का निर्माण करते हैं। और एक एग्जाम्पल है आपके
सामने, ठीक है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।